मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल रेलवे स्टेशन पर भोपाल रीवा सुपरफास्ट द्वि साप्ताहिक एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रेल सेवा का शुभारंभ किया। इस नई रेल सेवा का उद्देश्य भोपाल और रीवा के बीच यात्री यातायात को सुगम बनाना और दोनों शहरों के बीच संपर्क को सुदृढ़ करना है। इससे न केवल यात्रियों को यात्रा में सुविधा होगी बल्कि ये दोनों शहरों के आर्थिक, सामाजिक, पर्यटन एवं सांस्कृतिक के विकास में भी योगदान बढ़ेगा। इस नई ट्रेन सेवा के शुभारंभ से यात्रियों में हर्षोल्लास देखा गया और उन्होंने रेलवे प्रशासन के इस कदम की सराहना की। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने भी रेलवे की इस पहल की प्रशंसा की और इसे यात्री सुविधाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बताया। और आप सब मिलकर के एक ही सवारी गाड़ी के डिब्बे हैं, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री जी के इस सौगात के लिए हम एक बार दिल से अभिनंदन करें उनका, और सरकार के माध्यम से आप सबको भी बताना चाहूंगा, रीवा के लिए न केवल एक रेल बल्कि दूसरी रेल और उससे आगे चल करके इसी हवाई अड्डे से रीवा के लिए हवाई सुविधा भी प्रारंभ कर दी गई। रीवा के लिए एयरपोर्ट से आप अपने यहाँ से जाने के लिए इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो विंध्य के लिए सदैव के न केवल विंध्य बल्कि यहाँ से जबलपुर, सिंगरौली, रीवा, खजुराहो, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, अरे बड़ा आश्चर्य लगता है, मैं जब ये रिपोर्ट ले रहा था एयर टैक्सी की तो हमको लगा कि उज्जैन भोपाल तो क्या चलेगी, लेकिन आजकल हवाई जहाज का इतना अच्छा लोगों को सफर लगता है कि उज्जैन भोपाल सर्वाधिक फुल चल रही है अपनी हवाई सेवा में, बड़ा आश्चर्य लग रहा है। और उससे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि इंदौर के एयरपोर्ट से उज्जैन के लिए भी सवारी मिल रही है, ये बड़ा आश्चर्य की बात, लेकिन वो भी फुल चल रही। हम इसी प्रकार की प्रत्येक कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं। आज तो खास करके विंध्य के लिए ये जो नई सौगात दे रहे हैं, मैं अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री का आभार मानता हूँ, माननीय रेल मंत्री का आभार मानता हूँ, भगवान दास जी आपका तो नाम ही भगवान है। आज भोपाल से रीवा की साप्ताहिक प्रतिदिन एक सप्ताह में 3 दिन की जो ट्रेन की सौगात दी गई है, मेरी अपनी ओर से बधाई। खासकर भोपाल से रीवा की ट्रेन की अत्यंत आवश्यकता थी, भारी संख्या में विंध्य के लोग यहाँ निवास करते हैं, इसमें ये सुविधा का बड़ा लाभ दिया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, अश्विनी वैष्णव जी, रेल मंत्री जी को मैं आभार मानता और उम्मीद करता हूँ कि ये सुविधाओं का क्रम जारी रहे।